Hello, everybody. Tare Social would like to thank Dr. Prem Narasimhan, Elder Specialist at Just Talk Hospital, for giving us the talk today on the early signs of depression and what we can do to minimize it. Doctor, over on to you. Good morning, everybody. Good morning. Yeah, this topic is, I think, very important, and it's something that is very easily neglected because it is confused with a lot of other things. So, like, basically, like, questions like, have you lost interest in the activities you used to enjoy? जो आप पहले करते थे उसमें अभी आप खुश हैं नहीं हैं, क्या आपको थोड़ा हेल्पलेसनेस लग रहा है, बेचैन लग रहा है, और हर दिन आगे जाने में एज यू मूव अहेड इज इट बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर। ये जो डिप्रेशन रहती है ऑलरेडी थोड़ा टैबू हो जाता है क्योंकि लोगों को लगता है ओ माय गॉड ये एक साइकेट्रिक इलनेस है तो इसके बारे में बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सोशली हमें बोला जाएगा कि नहीं इसका तो थोड़ा दिमाग खराब हो गया, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि डिप्रेशन के बारे में आप जितना ज्यादा बात करेंगे जितना आप बता पाएंगे उतना हम जल्दी आपको ट्रीट कर पाएंगे, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देयर आर टू मेनी डिप्रेस्ड ओल्डर पीपल जिनको समझ में नहीं आता कि उनको डिप्रेशन है या नहीं है, और इसके बहुत कारण है। ये है कि मे बी यू ऑलरेडी फील नहीं कि मतलब डिप्रेशन जो है वो एजिंग का भाग है, नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजिंग। यू मे ऑलरेडी बी आइसोलेटेड एंड थोड़े लोग कम रहेंगे तो आपको लग रहा होगा नहीं मैं बस थोड़ा सा अकेले रह रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। देन यू माइट नॉट रियलाइज दैट देयर आर सर्टेन फिजिकल कंप्लेंट्स विच आर साइंस ऑफ डिप्रेशन, बट यू आर लाइक नहीं ये तो मुझे फिजिकली कुछ प्रॉब्लम होगा, डिप्रेशन तो नहीं हो सकता। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप शायद अपने फीलिंग्स के बारे में बताना ही नहीं चाहते हैं और आपको हेल्प पूछना नहीं चाहते, सो देन बेसिकली द स्टेप फ्रॉम योर साइड इज नॉट कमिंग एंड एज वी गो फर्दर एंड फर्दर वी रियलाइज ओ माई गॉड मुझे पूछना भी चाहिए क्या आई हैव बीन इंडिपेंडेंट माई एंटायर लाइफ, ये क्या है ये भी मैं खुद ही देख लूंगा। बट देर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैपन एज यू ग्रो ओल्डर, सच एज देयर इज रिटायरमेंट, देयर कुड बी डेथ ऑफ लव्ड वन, और फिर उसके साथ साथ आपका हेल्थ भी और डिक्लाइन हो सकता है, तो फिर वो शायद ट्रिगर करे आपके डिप्रेशन को। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डाउन हो जाए। वन शुड ऑलवेज फील जो भी आपने चैलेंज एजिंग में हुआ है यू कैन ऑलवेज बी हैप्पी एंड होपफुल कि अगेन कि आप जो पहले करते थे वो आप कर पाए। तो जो साइंस एंड सिम्टम्स जिसको कहते हैं जिससे हमें पता लगे कि डिप्रेशन हो सकता है वो है कि मतलब बहुत ही दुखी होना, फिर इधर उधर दर्द होना, पता भी नहीं लगना कि क्यों हो रहा है, बहुत ही सोशली एक्टिव थे आप, हॉबीज करते थे बट सडनली आपको इंटरेस्ट नहीं है, खाना में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, फिर ऐसा लग रहा है कि मतलब जीवन बिल्कुल सूना सूना हो गया, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, फिर पहले बहुत मोटिवेटेड रहते थे, एनर्जी रहता था पर अभी बिल्कुल नहीं है, सोने में दिक्कत, पहले सोने में टाइम लगता है नहीं तो बिल्कुल ही सो नहीं रहे, नहीं तो ज्यादा सो रहे हैं, नहीं तो दिन भर सो रहे हैं, फिर लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ, हमेशा सोचना कि नहीं मैं किसी और पे बर्डन हो जाऊंगा, मतलब खुद को ही कोसते रहना, फिर थोड़ा सा सब स्लो हो जाना, एक्सप्रेशन नहीं करना, फिर हमेशा थोड़ा डेथ के बारे में सोचना, थोड़े मेमोरी प्रॉब्लम, और वर्स्ट ऑफ वर्स्ट जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अपने पर्सनल केयर को टोटली ये करना, वो सोचना कि जब मेरे जीवन में कुछ रखा ही नहीं है तो मैं दवाइयां क्यों खाऊं, मैं क्यों ड्रेसअप हूं। पर जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन एंड सैडनेस मोस्टली साथ में ही जाते हैं, पर हमेशा लोग सैड नहीं होते, इट कैन ओनली बी मे बी लो मोटिवेशन, लैक ऑफ एनर्जी, फिर फिजिकल प्रॉब्लम। जो सबसे ज्यादा ओवरलैप रहता है वो रहता है ग्रीफ और डिप्रेशन में। ग्रीफ क्या होता है, सडनली आपको एक वैरायटी ऑफ मन में इमोशन आते हैं, थोड़े गुड बैड डेज रहते हैं, पर डिप्रेशन में क्या होता है आपको हमेशा खाली लगेगा, आपको हमेशा थोड़ा अजीब लगेगा, और जब भी आप थोड़े ग्रीफ में या थोड़े लो है कुछ अच्छा होता है तो आप हंसेंगे और आप ब्राइटन होंगे, पर जरूरी नहीं है डिप्रेशन में आप हैप्पी हो जाएंगे। फिर कॉजेज ऑफ डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं वो बहुत सारे होते हैं बुजुर्गों में। एक है आपके खुद के हेल्थ प्रॉब्लम, इसीलिए कभी भी आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए, जैसे आप चल नहीं पा रहे हैं, अगर बहुत दर्द है और याददाश्त की दिक्कत है,
फिर अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, आप आइसोलेटेड है, फिर मैं एक रिटायरमेंट के बारे में हमेशा कहूंगा, हमेशा प्लान करना चाहिए। आप सब ने, बहुत सारे लोग ने किया भी होगा, जो यंगर जनरेशन है, जो केयर टेकर्स है, उनको भी मैं बोलूंगा कि हमें भी करना चाहिए, क्योंकि सडनली एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आती है, और थोड़ा सा रिस्क ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि पहले एक फिक्स शेड्यूल था, अब सडनली आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। फिर फियर बहुत चीजों के हो सकती है, या तो आपके हेल्थ के ऊपर हो सकता है, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या तो डेथ के ऊपर। फिर डेथ, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डेथ भी होते हैं पूरे जीवन काल में, सबको पता है कि इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, या हमारे फ्रेंड्स हो, पेट्स हो, स्पेशली स्पाउस या पार्टनर का डेथ जो होता है, वो बहुत ही कॉमन कॉज ऑफ डिप्रेशन हो सकता है। फिर मेडिकल कंडीशन भी है जिसके वजह से डिप्रेशन हो सकते हैं, एक तो लकवा पड़ना, स्ट्रोक है, थायराइड के डिसऑर्डर्स है, फिर पार्किंसन में होता है, याददाश्त की दिक्कत में भी हो सकता है। फिर थोड़े दवाइयां भी है जिसके वजह से साइड इफेक्ट में हो सकते हैं डिप्रेशन, थोड़े ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, थोड़ी दिल की दवाइयां हैं। सबसे बड़ी जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो है याददाश्त में और आपके मन ठीक नहीं होने में, डिप्रेशन जिसको कहते हैं। अगर डिप्रेशन आपके में होगा तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होगा, मतलब मैं आपको कुछ भी बोलूंगा, आपकी याददाश्त ठीक होगी पर आप बिल्कुल उसको बात नहीं करेंगे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपका मेमोरी प्रॉब्लम है। पर अगर आपको याददाश्त की दिक्कत है तो ऑफकोर्स आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको खुद को हेल्प करना है। टिप्स क्या है आपके एल्डरली डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, और ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको डे बाय डे लेने हैं, जो आपको अल्टीमेटली एनर्जेटिक करे। अगेन हमेशा मैं कहूंगा ट्राई टू रीच आउट एंड स्टे कनेक्टेड, जरूरी नहीं है आप सोशलाइज करें, अगर आप सोशलाइज नहीं कर सकते हैं और या नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग पहले से नहीं करते हैं, तो आप अपने लवर्ड वंस को विजिट कर सकते हैं या टच में रह सकते हैं फोन ईमेल में। जैसे जैसे चीजें नॉर्मल होंगी आपको बाहर जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पार्क में हो, एक ट्रिप ले सकते हैं एक लंच के साथ, एक फ्रेंड के साथ। अभी ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे टूर्स भी है, ऑनलाइन टूर भी अभी है, फिर म्यूजियम है। फिर आपके पास जो टाइम रहता है, वो बोला जाता है कि दूसरों को हेल्प करने में जो अच्छा लगता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप वॉलेंटियर करेंगे तो बेटर रहेगा। फिर सपोर्ट ग्रुप एक्टिविटी, बहुत सारी रहते हैं सपोर्ट ग्रुप एक्टिविटी जिसमें डिप्रेशन के साथ जो लोग हैं वो अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं कि वो खुद कैसे डिप्रेशन से कोप करते हैं। फिर अगर आपके पास एक पेट है, डॉक्टर जस्ट वन सेकेंड, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज म्यूट योर कॉल प्लीज। आप म्यूट पे फोन रखें, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई बात कर रहा है, हम लोग को पूरा सुनाई दे रहा है, आप जरा म्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी डॉक्टर, प्लीज कंटिन्यू। फिर आप एक पेट को टेक केयर कर सकते हैं, कोई भी क्लास हो, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे क्लब हो, एक जैसे लोगों से मिल सकते हैं, बुक क्लब हो, साथ में रीडिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद टीचर है तो मैं कहूंगा अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो जिसमें आपको है ना जो एक सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा और आप खुश भी रहेंगे। फिर बहुत सारे चीजें हैं जिसमें आपको हंसना चाहिए, बोलते हैं हंसना बहुत ही अच्छी चीज है, चाहे वो जोक शेयर करने में हो, चाहे अपनी खुद की यादें करने में हो, चाहे कोई कॉमेडी पिक्चर देखने में हो, तो जितना आप हंसेंगे उतना अच्छा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ये आपको लाइफ में एक मीनिंग होना चाहिए, दरअसल मीनिंग टू योर लाइफ एंड पर्पस टू योर लाइफ, एंड दैट इज हाउ इट विल यू बी एबल टू ओवरकम डिप्रेशन एंड मोस्टली मेक श्योर दैट इट डज नॉट कम बैक। सो हाउ डू यू फाइंड मीनिंग फॉर लाइफ? फोकस, जैसे मैंने बोला है हमेशा कि व्हाट यू कैन स्टिल डू एंड नॉट व्हाट यू यूज टू डू। ऑब्वियसली आपकी उम्र बढ़ रही है, आप उतने ही इससे सब कुछ नहीं कर सकते, तो आप उससे फ्रस्ट्रेट मत होइए। जितना आप नेगेटिव आइडियाज मन में रखेंगे उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, इसलिए आप हमेशा देखें कि आप ऑफर क्या कर सकते हो, या कि ये नहीं देखना कि आप क्या नहीं कर सकते। फिर कोई नया स्किल, कोई भी एक नया गेम हो, ब्रेन हेल्थ के लिए करना हो, कुछ भी चीज जो आपके इसमें
क्या कहते हैं मीनिंग ऐड करती है लाइफ में, एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एक लैंग्वेज हो सकता है, एक न्यू स्किल जो क्या करेगा कि आपकी जो इमेजिनेशन है, याददाश्त है, उसको खुलेगा खुलेगा और आपको लगेगा कि नहीं मुझे और करना चाहिए। फिर आपके कम्युनिटी में भी इन्वॉल्व होइए, जैसे मैंने बोला बच्चों को पढ़ा सकते हैं कम्युनिटी वर्क में। क्या है कि जब हम खा डॉक्टर कैन यू स्टार्ट प्लीज कंटिन्यू समवेयर न्यू स्किल्स अबाउट फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। तो या एज आई वाज सेइंग मे बी ज्यादा कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे वो वॉलंटियरिंग हो, कम्युनिटी वर्क हो। फिर हमेशा आपके अपीयरेंस में एक प्राइड लीजिए। व्हेन यू रिटायर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप कुछ काम नहीं कर रहे। कीप पुटिंग एफर्ट्स इन योर ओन अपीयरेंस, गिव योरसेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल हेल्थ। देन इन अ नॉर्मल वर्ल्ड ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। यू रिमेम्बर दैट यू हैव योर ओन लाइफ, यू कैन मेक योर ओन प्लान, book a vacation, move around, see more places. Then another thing of course is you can write your own memoirs. पूरा आपका life full of experiences है, या तो आप कोई नया craft कर सकते हैं, कोई नया idea जो आपको ये रख रहा है, या तो learn to paint। जरूरी नहीं है कि सब हम सबको एम एस स्टैंड रहना है, but you should just be able to own a passion and be happy with it. Then adopting healthy habits is very important. अपने बॉडी को मूव कीजिए, एक्सरसाइज बहुत आपको सपोर्ट करता है मेंटली भी। देन योगा मेडिटेशन विल ऑलवेजली हेल्प। रिमेम्बर इवन इफ यू आर ऑन अ चेयर और अ व्हील चेयर, इवन मिनिमम मूविंग द बॉडी यू विल ऑब्वियसली बी एबल टू ओवरकम। देन ट्राई टू ईट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिप्रेशन। ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी फूड। Please do not go long times without meals. You have to understand that the more we are without meals, जब खाते नहीं है तो ज्यादा tired हो जाता है, फिर ज्यादा irritable होते हैं। फिर नींद, बहुत सारे लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, तो मैं कहूंगा कि डिप्रेशन के ओवरकम करने के लिए नींद भी अच्छी होनी चाहिए। हमेशा आपके बेडरूम पर डार्क क्वाइट थोड़ा कूल रखिए ताकि आपको नींद अच्छे से आए। फिर जितनी भी सनलाइट अवेलेबल है उसमें थोड़ा सा आप रहिए, चाहे वो कॉफी है, टी है, विंडो में लेना है, चाहे आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर टहलते हैं, तो इन सब चीजों से थोड़ा माइंड ज्यादा ये हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है सर, कभी भी आप अपने आप को रोके मत दूसरों से हेल्प लेने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हेल्प हो डॉक्टर से, या आपके किसी डियर वाले को आप बताना चाहते हैं कि आप लो हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाता है, बहुत सारे लोगों को शायद दवाइयां भी लगती हैं। ऑफकोर्स थोड़ी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, वो तो आपको स्पेसिफिकली हम देख के ही आपको देंगे। फिर काउंसलिंग और थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरे तरह से ठीक नहीं होते, क्यों? क्योंकि इन चीजों में समय लगता है। सर काउंसलिंग कैसे भी हो सकती है, या तो ग्रुप काउंसलिंग हो, या तो थेरेपी हो सकती है सिंगल वे में, जो आपको हेल्प करेगी आपके लाइफ चेंजेस में रिकवर करने के लिए। फिर सपोर्ट ग्रुप जो डिप्रेशन के लिए है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ एज अ केयर गिवर, जो डिप्रेशन जिनको है उनका केयर करते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनके फीलिंग्स को क्रिटिसाइज नहीं करें और बताएं कि नहीं, ये रियलिटीज है, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। यू ऑब्वियसली वॉन्ट योर लवेड वन टू गेट दैट डायग्नोसिस एंड ओवरकम, तो हमेशा आप मॉरल सपोर्ट दीजिए। अगर उनको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट से जाना पड़ रहा है तो फिर आप उनके साथ जाइए, क्योंकि उनको मेंटली अच्छा लगेगा। बाकी आपके जो ओल्ड लोग हैं जिनको आपको लगता है कि वो डिप्रेशन में है या जा सकते हैं, उनको इन्वाइट कीजिए, साथ में कोई क्लास कीजिए, मूवीज देखिए, कोई भी मेंटल या फिजिकल स्टिमुलेशन जो उनको मेंटली ये करेगा वो कीजिए। फिर उनके लिए सोशल एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज फैमिली मेंबर्स के साथ वो आप ज्यादा ऑर्गेनाइज कीजिए। फिर खाना प्लान करके दीजिए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि खाना मिस हो। फिर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कभी कभी डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं, दवाइयां ले भी लेते हैं, पर उसके पास फॉलो अप कभी नहीं करते। तो जहां तक डिप्रेशन का सवाल है, फॉलो अप करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमेशा
जब भी आपको हेल्प की जरूरत हो, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत हो, तो आपको हमेशा प्रोफेशनल हेल्प सीख करना चाहिए। ऐसा कभी भी आप मन में मत रखो। तो मैं ये कहूँगा, एक ओवरऑल आपको मैं व्यू देना चाहता था डिप्रेशन के बारे में, मन के बारे में, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हम जितने जल्दी उसको पता लगा सके उतना वो ट्रीट करना ज्यादा इजी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। Thank you very much, Doctor. This was really useful. I'm going to ask everybody first to mute their phones because there's a lot of disturbance. And secondly, the doctor can answer any questions that you may have if you can ask him. Doctor, let me start with one question. What are the early signs? How do I know that I or my loved one may have depression? I'm not saying that they have it, but may have depression. What are the 3-4 signs I should look for? Yeah, so the 3-4 signs off the top I would say is that if this person was actually socializing a lot, had a lot of hobbies, but suddenly has loss of interest, then there is a lack of motivation, agar energy kam ho rahi hai, if pehle pura express karte the, abhi bilkul baat nahi kar rahe, hamesha sadness or feeling of despair kar rahe, फिर एक आदमी जो इंडिपेंडेंट था वो सडनली बोल रहा है नहीं अब मेरा सब मतलब मैं बहुत ही गरीब है, मैं तेरे से बर्डन हो गया हूँ, फिर स्लीप ठीक था वो खराब हो गया, तो ये सब चीजें हैं। एक आदमी जो नॉर्मली ठीक रहता है सडनली ऐसे चेंज होते हैं तो वो एक अर्ली साइन है। ऑफकोर्स डिप्रेशन को डिटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है अगर वो पहले से कोई इंट्रोवर्ट है जो आपको चीजें नहीं बताएंगे, तो उसमें आपको उनके बिहेवियर देख के ही समझ में आएगा कि कुछ बदला है। Thank you very much, Doctor. Any other questions or koi questions hai, Doctor ke liye? Yeah, I want to ask one. Hello. Yes, one person please ask. Yes. Can I ask a question? Yes, please. If the depression is there, I mean, what is the thing? You are the consultant psychiatrist, as a psychoanalyst, or you have to take the tablet medicine and continue for lifetime? Ma'am, as far as this is concerned, yes, you need to go to a professional. Whether it can be a psychiatrist, it can be a geriatric and elder care specialist like me also. We need to check you first. The depression and the medicines come later. I would say that don't do any self-medication ever. Not just because somebody else is taking something for depression doesn't mean you have to take it, because these are tablets which are side effects as well. That is number one. Number two is, as far as a psychologist is concerned, you would obviously decide whether you will need a psychologist, because for group therapy session, counseling, you will need them. But most importantly, when you have these feelings, please try to express, especially to a family member. If you are able to express, if you are not, then please try to consult, because most of the time what happens is you try to hide those feelings and then it gets really rampant. So thirdly, when you ask that whether you have to take these medicines lifelong, no, not if you overcome your depression and we see clinically you are better and we are able to give you other alternatives like group therapy sessions, and you improve, we have to make sure that you don't get depression back. Then you will be off medication. Doctor, can I ask a question about medication? I know that you cannot self-medicate, but I think the gentleman earlier asked a question. Assuming that the doctors do prescribe medicine, would it be for the rest of his life or would it only be for a short time? So that's what. So as we said, we follow something known as, we would like to start small doses and see how the response is. And depending on that only we'll increase the doses. We would at some point obviously will try to reduce the doses again and stop it. One thing. Two is, another thing from a perspective of somebody who's been treated for depression, these medicines are not magic. They will take their time to act, one. And two is, we will never only give you medication. We will also try to do counseling and this at the same time, purely because we want to see ultimately when you improve, that we are able to remove your medications, where you are able to improve yourself with self-help rather than being dependent on medications for life.
Thank you, doctor. Hello, can I ask a question? Yes, please. Currently due to this home confinement, if we observe some kind of depression sign, so what should we do for that? Because we can't go out, as doctor was suggesting that we should go out to a park or meet someone. As far as now is concerned, yeah, you can complete then. If you just complete, no problem. Yeah, so medication also, as you said, we can't start without consulting without the doctor seeing the patient and all. So what else, other than medication and going out, what can we do right now? So as of now, if you're feeling that there is any symptoms like that, so as I said, the one thing you can still do is there are a lot of helplines. There is something known as a wellness helpline, and there are official helplines which are there in the Ministry of Health and Family Welfare. See, you just need to talk about it. That, I think, is one of the most important things. When you talk about it and the person in the helpline or can help you out as far as that is concerned, that would help. Then you yourself have to see Doctor, but if that elderly person doesn't speak up well, so how do we make that person make a call and in this particular time, obviously you will have to facilitate the call, because if you are saying the elderly is not with you, the elderly is not with me, but I can see that because of this condition, I can observe that because of the swing down of activity you suggested. But what can be done to overcome this depression at home? See, at home, as I said, as caregivers, one is you have to check on them continuously. Okay. Be fully supportive. Mm-hmm. Try to see. The strength about older people is that they have lived the life. So you need to point out the positives that they have done. Whether it's your childhood, whether it's your memory, try to obviously point out positive things they have overcome. Because what's happening now is purely, I will talk only about this period again, it's purely because of the social isolation which is being caused. That is leading to people feeling down. Now, another way of doing it is, of course, if you can help them technologically, see what is happening. So, it's not about his situation per se, but generally the world situation. So, do I let him express what he's feeling, or do I change the topic, or, how can I walk around that? Yeah, so, I would say, maybe he's talking about it every time, but I think you should allow him to express. Okay. One, but at the same time, beautifully tell him that, see, there have been so many good times and there are going to be more good times. This is only a phase. Because what we have to make him realize in general to all older people is that Corona or this period is only one thing. We have to focus on our life. The importance has been given so much to this by everybody that we are forgetting that it is only a part of our life. It is not our life. So what you can do is, try to talk memories with him. It could be any happy memory. It could be, because we need to get them off topic. But the thing is, if you cut him off completely, then he might not get a relief. And then that obviously will not help him, or it will make you even more worried. Because then maybe he will feel that, I should not tell her because she doesn't want to listen. I'm not saying you don't want to listen. Yeah, I understand. I don't want that to happen. So let him express, but at the same time, try to make sure that every time you talk, maybe the amount you talk about that is lesser, and focus on other things so that slowly and steadily. Can I share with all that? Yes, please. I'm about to senior now. I'm 67. I'm also locked up in home for about 1 month. And every day I was thinking for walk within a home itself. Lekin wo mera bilkul nahi ho raha tha. But yesterday things happened that I called up one of my friends
and I was continuously talking to him. So our call continued for 45 minutes. And for those 45 minutes, when I was talking to him, at the same time, my job was going on. So call khatam hone ke baad mein mujhe realize hua, kare 45 minutes mein chala ghar mein. Otherwise, I was just thinking ki kitna hua abhi main tak gaya, abhi main karna chahta hu. So mera walk bhi cut ho jata tha. Lekin I got this very good idea that while speaking to someone, if I walk, mera achha walk ho jata. So this is just I want to share. Abhi jitna sa time for sharing, ye kar sakte hain. That's a very nice thing that you have shared. So that also says that when we try to have a good mind and focus on things, sometimes we are, for example, if we keep thinking that walk nahi ho raha, so shayad wo nahi hoga. But then when we try to facilitate it with other things, we'll be able to do it. Yeah, yeah. Hi, any other questions? Doctor, thank you very much. This was a very, very engaging conversation. Again, thank you very much for taking this time and helping us to understand this. And we will be sending every one of you a WhatsApp with a link of the entire resolve today, as well as the helpline number by the end of the day or tomorrow morning. Thank you very much for attending this call. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for organizing. Thank you.